अरे भाई लालू जी, उतर जाओ उतर जाओ, अपना लोग शहर आ गए हैं। उतर जाओ इस लकड़ी के ठेले के ऊपर से, उतर जाओ लालू जी, हम शहर आ गए। उतरो लालू जी इस लकड़ी के ठेले के ऊपर से। अरे भाई मोदी जी, शहर तो आ गए अपना, उस ठिकाने पे थोड़ी ना पहुंचे हैं जहाँ पर इन लकड़ियों को हमें बेचना है। उस ठिकाने पर जब पहुंच जाएंगे तभी मैं उतर जाऊंगा। और तुम तो ऐसे, जैसे मैंने अभी खींचा ही नहीं हो इस लकड़ी के ठेले को, मैं भी खींचता हूँ, राहुल भी खींचता है, अपना तीनों लोग खींचते हैं। जैसे 5 किलोमीटर मैंने खींच लिया, 5 किलोमीटर राहुल ने खींच लिया, अब तुम्हारी बारी है तो तुम ही खींचो ना मोदी जी। 5 किलोमीटर की दूरी तय तुम्हें करना पड़ेगी। जब हम 5-5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो तुम्हें भी तो 5-5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अरे भाई राहुल, थोड़े तेजी से धक्का दो, धक्का दो, मुझसे ये ठेला खींच ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं खींच रहा है। तुम इतने हल्के हल्के धक्का दे रहे हो, ये ठेला खींच ही नहीं पा रहा है, तुम थोड़ा तेजी से धक्का दो। अरे भाई मोदी जी, कैसी बेफालतू की बातें करते हो, जब मैं खींच रहा था इस ठेले को तुम भी तो बहुत हल्के हल्के धक्का दे रहे थे, मैं भी हल्के हल्के धक्का दे रहा हूँ। मोदी जी, ऐसी नहीं बिकेंगी हमारी ये लकड़ियाँ, राह चलते आदमियों से पहले पूछ तो लो, इन्हें लकड़ियाँ लेनी, राह चलते आदमियों से पूछ लो मोदी जी, तभी तो ये हमारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी। अरे भाई राहुल, मुझसे क्यों कह रहे हो, तुम भी पूछ लो, तुम नहीं पूछ सकते राह चलते आदमियों से, तुम पूछ लो राह चलते लोगों से। अरे ये भाई साहब थैला लिए आ रहे हैं हाथ में। ओ भाई साहब, ये बताओ तुम्हें लकड़ियाँ चाहिए, लकड़ियाँ ले जाओ अपने घर पर, 5-6 किलो लकड़ियाँ ले जाओ और जाकर जला लेना अपने चूल्हे में, बहुत बढ़िया लकड़ियाँ है, हम ये जंगल से लकड़ी काट के लेके आए, बहुत बढ़िया लकड़ी है, लोगी क्या भाई साहब, ये बताओ लकड़ी। अरे भाई साहब, तुम भी शहर में लकड़ी क्यों लेके आए हो, शहर में क्यों लेके आओ, शहर में थोड़ी ना बिक जाएंगी लकड़ी, शहर में तो सब दादू गैस से बनाते हैं अपना खाना, मैं भी दादू गैस से ही खाना बनाता हूँ अपने घर का, तुम ये लकड़ियाँ जाकर गांव में ही बेचो, शहर के लोगों को तुम्हारी लकड़ियों की जरूरत नहीं है, तुम जाकर भाई साहब इन लकड़ियों को गांव में ही बेचो, गांव में तुम्हारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी, वहां पर सब चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं, तो तुम्हारी ये लकड़ियाँ गांव में ही बिक जाएंगी, भाई साहब जाकर गांव में बेचो इन लकड़ियों को। भाई साहब कैसी बेफालतू की बातें करते हो, जब गांव में अगर हमारी लकड़ियाँ गांव में बिक जाती तो हम शहर क्यों लेके आते, शहर इसीलिए तो लेके आए ताकि हमारी शहर में लकड़ियाँ बिक जाए, और तुम ये कह रहे हो सब दादू गैस से खाना बनाने लगे, गांव में तो सब, गांव में तो हर घर के अंदर लकड़ी मिल जाएगी, क्योंकि गांव के लोग जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट के लेके आते हैं, इसीलिए गांव में हर किसी के घर पे लकड़ियाँ होती है। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, साइकिल से लकड़ियाँ ले जाओ अपने घर पे, लकड़ियों से खाना बनाना, बहुत बढ़िया खाना पकता है, चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना पकाने के बाद खाने का मजा ही कुछ अलग होता है, भाई साहब ले जाओ लकड़ी, 4 से 5 किलो लकड़ी ले जाओ तुम। अरे भाई साहब कैसी बेफालतू की बातें करते हो, मैं तो अपने एक दोस्त के यहाँ पर मेहमान बनकर जा रहा हूँ, मैं उसके यहाँ पर थोड़ी ना लकड़ी लेकर जाऊंगा, और तुम ये लकड़ी तुम्हारी यहाँ पर शहर में नहीं बिकेंगी, तुम ये लकड़ियों को लेकर गांव में जाओ, गांव में तुम्हारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी। अरे भाई लालू जी, राहुल, मुझे तो लगता है हमारी लकड़ियाँ यहाँ पर शहर में बिकेंगी नहीं, हमें तो गाँव में वापस लेकर जाना पड़ेगी, लगता है इन लकड़ियों का धंधा भी बंद करना पड़ेगा। और भाई लोग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।